हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाती आया है गर्मी छुट्टी में, तो वो बोल रहा है नानी कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ बनाने आइसक्रीम। गर्मी का दिन है तो सोचा आइसक्रीम बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दूध ले लिया है, उसको अच्छी तरह से गर्म कर दी हूँ। गर्म करके मतलब रखा गैस पर। इधर आधा कटोरी दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, इसको घोल के फिर हम उसी दूध में डाल दिए। और दूध को जब तक हम हिलाएंगे जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए, जब तक गाढ़ा ना हो जब तक हम उसको हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो वो जम जाएगा। और इधर हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैं ले ली हूँ किशमिश, बादाम और ये गोला ले ली हूँ। इसको सबको ग्राइंडर में पीस के उसी दूध में डाल देंगे। सोते इसमें पिस्ता ज़रूरी होता है लेकिन मेरे पास नहीं है, आप पिस्ता डाल लेना तो अच्छा लगेगा। चल रहा है। तो देखो इधर मेरा दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट डाल के भी इसको मिलाते रहेंगे, थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं, कम आँच करके इसको धीरे धीरे चला रहे हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा भूरा, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं करना है। और इधर हम ले लिए हैं आइसक्रीम का क्यूब, अब उसमें चम्मच से सब में भर देते हैं। तो हम सब में भर दिए, अब इसको हम रख देंगे फ्रीजर में। 12 घंटे बाद ये देखते हैं कैसा जमता है। तो 12 घंटा हो चुका है, अब मैं इसको फ्रीजर से निकाल लिया आइसक्रीम, अब देखते हैं खोल के। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा निकला है, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।